Good morning, students. Yes, Nazra, कोई डाउट है आपको? No, sir. तो कल की क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फर्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स में एक्चुअली नंबर में क्या अलग होता है? दे आर ऑफ द फॉर्म p by q. ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर नंबर लाइन. ठीक है, और उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा था. बाद हमने कंपैरिजन कर रहे थे. किसी को कोई भी डाउट आता है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई गिव यू चांस टू स्पीक. ठीक है, हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे. ठीक है, वी वर कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए भी हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हमने देखे. फर्स्ट हम कैसे कंपेयर कर रहे थे, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट में लाई करेगा वो सबसे छोटा होगा. यस, उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कंपैरिजन हम देख रहे थे अलग अलग मेथड से. तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिया, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे छोटा होगा. ठीक है, दूसरा हमने जो मेथड देखा था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था. ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर्स को. ठीक है, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. इज इट क्लियर? आई गेस सबको यहाँ तक पता चल गया है. किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, आई विल अनम्यूट एवरीवन. कोई भी क्वेश्चन में अभी तक डाउट है? नो सर. क्लास करके आ रहे हैं मॉर्निंग में आप लोग? Your voice is not coming. मेरा voice सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर. मॉर्निंग में कौन सा क्लास करके आए हम लोग? साइंस. सर अभी साइंस. साइंस में बायो का क्लास करके आए ना आप लोग? यस सर. चलिए सेशन को रिज्यूम करते हैं. आई विल म्यूट एवरीवन. सबको म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, ठीक है, हमने कंपैरिजन ऑलरेडी रेशनल नंबर्स का देख लिया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, which is operations on rational numbers. So let's write. First, let's put the heading. Operation on rational numbers. Operation on rational numbers. So rational numbers के ऊपर हम क्या-क्या operation करते हैं वो देख लेंगे. ठीक है. So the first operation that we have of rational number is addition operation. Rational numbers को कैसे add करते हैं? बहुत इजी तरीके से हम देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप, उसी कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप रेशनल नंबर्स को ऐड कर पाएंगे. फर्स्ट व्हाट यू डू इज टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे. सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ऐड द न्यूमरेटर्स. थर्ड स्टेप में सिंप्लीफाई, गेट रेशनल फॉर्म. आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और रेशनल फॉर्म लेके आना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स ऐड दिस 2/3 प्लस 4/5. मान लो 2/3 और 4/5 है और इनको हमें ऐड करना है, तो
तो कैसे ऐड करेंगे? स्टेप वन क्या बोल रहा है मेरा, एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 15 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 15 एलसीएम लेना है, सही है? तो मैंने 15 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ओके। तो अब 15 एलसीएम लिया तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे 2/3 को 15 में कन्वर्ट करना है, 4/5 को भी 15 में करना है। तो 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 × 5 कर सकते हैं टू मेक एलसीएम इक्वल, सो 2 5s are 10, 5 3s are 15, 4/5 को क्या लिख सकते हो आप, × 3 कर सकते हो 15 बनाने के लिए, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा एलसीएम पे, 15 एलसीएम है ऑलरेडी, 5 है तो क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो गया, 4 3s are 12 हो गया, सही है? तो अगर मैं रेशनल नंबर्स को ऐड करता हूँ तो कैसे ऐड करूँगा, 10/15 + 12/15 गिव्स यू 22/15, सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। दो रेशनल नंबर्स को हमने ऐड किया तो 22/15 होगा। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन, किसी का बाकी है तो आई विल वेट। लेट्स टेक डाउन द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 5/11, ठीक है, और -2/5, इनको आपको ऐड करना है, यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, 5/11 and -2/5, you have to add. 5/11 और -2/5 को हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला, एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 और 5 का 55 आ जाएगा। तो 5/11 को क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई, तो 25/55 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड में -2/5 को क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -22/55 आ जाएगा। अब करना क्या है, ये दो नंबर्स को ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन अब बन गया है, दिस क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन एक्चुअली वाज 5/11 + -2/5, ओके, सो द क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड टू 25/55 + -22/55। अब मुझे एक चीज बताओ, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 25/55 - 22/55, ये क्या आ जाएगा, 3/55। कैसे 3 आया, एक स्टेप में और लिख देता हूँ आपके लिए, हम डिनोमिनेटर कांस्टेंट 55 ले लेते हैं एलसीएम से, न्यूमरेटर हो जाता है 25 - 22, विच इज 3/55। एक सेकेंड, यस बेटा, सॉरी, यस परी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपको खुद को अनम्यूट करना होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? लेट्स शुड बी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड, ठीक है? मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ, किसी का बाकी है क्या? नो सर। ऐसा है कि सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मेरे पास दो से ज्यादा नंबर्स मैं ले लेता हूँ, लेट्स डू दिस, ऐड Yes. -3/4, then
4/16 एंड देन -1/2. आपको इन तीन नंबर्स को ऐड करना है. तो आपका आंसर क्या रहा है बताइए मुझे, फटाफट फटाफट आंसर दे देंगे. चैट बॉक्स आपके पास है, उसमें आप आंसर लिख सकते हैं, सो दैट आई विल कम टू नो क्या आपका आंसर आ रहा है. वेरी गुड नीति पटेल, सबसे पहले नीति का आंसर आ गया. वेरी गुड नीति, आंसर इज -1. यस यस, नंबर डीला वाला वेरी गुड, बहुत अच्छे -1. कशिश का भी आ गया, वेरी गुड -1, बहुत अच्छे. चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको. बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग तो यार. अब देखो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. तो किस किस का एलसीएम लेना है, 4/16 और 2 का एलसीएम लेना है. अब नाजरा वेरी गुड -1, सुपर. 4/16 और 2 का एलसीएम क्या होगा, लेट्स राइट इट डाउन. 4/16 और 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2/8/1. फिर 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/4/1. 4 आ जाएगा 1/1/1. So the LCM is 16. So if your LCM is 16, you are supposed to convert Muhammad Bhiwala. Very good. So you have to convert everything to 16. So मैं क्या करता हूँ, एक एक नंबर को कन्वर्ट करता हूँ. तो -3/4 को अगर मैं 16 बेस पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 4, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 4, -12/16 हो गया. नेक्स्ट 4/16 इज ऑलरेडी कन्वर्टेड. -1/2 को क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड. So -8/16. Yes, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है. ऐड करने के लिए क्या करेंगे, -12/16 +4/16 -8/16. डिनोमिनेटर सबका कॉन्स्टेंट 16 कर दिया, न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए, -12 +4 -8, ये क्या जाएगा -16/16 विच विल बी -1. वेरी गुड, बहुत अच्छे किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप. वेरी गुड, बहुत अच्छे, -1 सबका आंसर आ रहा है. ठीक है, किसी को भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड बेटा. ओके, छवि यू आर गेटिंग द आंसर. बहुत अच्छे, वेरी गुड, छवि का आंसर आ रहा है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल फ्लोट विथ यू इज, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, काम करते हैं. सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट वी आर सपोज टू डू इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. हम रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं. अब रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो जब हम रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी. जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन अंदर इंसर्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ आपके पास, स्टेप्स विल बी सेम एज वी हैव डन इन एडिशन. तो अगर लिखा है 7/17 फ्रॉम -2/17, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7/17 को -2/17 में से. तो ये अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं तो मतलब क्या हुआ, -2/17 -7/17. तो इफ यू सी यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर. ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो यू टेक द एलसीएम. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 17 विल बिकम योर एलसीएम. -2/-7, so you get -9/17 as your answer. ठीक है, किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं.
ओके लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं 3/5 फ्रॉम 4/7, तो सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 4/7. -19/17, 17 आपका एलसीएम कैसे आ रहा है? -9/17. अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे दिया था. ओके ओके, -1/35 नाजिरा गेव दी आंसर. ओके, नीति का सबसे पहले आंसर आ गया है, देन नाजिरा हैज गिवन द आंसर, मोहम्मद डीला वाला वेरी गुड, और ही हैज आल्सो गिवन द आंसर. लेट्स टेक द एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास? 35, let's simplify first, 4/7 -3/5, LCM of 7 and 5 is 35, ठीक है, 35 में convert करना है तो 5 से multiply करना पड़ेगा, इसको 7 से multiply करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 20/35 -21/35, so -1/35 is the correct answer, very good, ठीक है, सबका answer आ रहा है -1/35, बहुत अच्छे. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया है. ठीक है, अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम रेशनल नंबर्स की. किसी को कहीं पे भी डाउट है तो यू आर सपोज टू रेज योर हैंड एंड लेट मी वेट, है ना, आई विल वेट फॉर यू. आपको मुझे वेट करवाना है तो आप मुझे रेज हैंड कर देंगे, आई विल वेट फॉर यू. ठीक है, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? चले आगे, लेट्स टेक अनदर टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. अब जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़े तो उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फर्स्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज. तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको नोट डाउन करते जाएंगे आप. ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोना स्टडी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस प्रॉपर्टी? लिखो, द सम और डिफरेंस ऑफ two rational numbers, the sum and difference of two rational numbers is also a rational number, is also a rational number. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर दो रेशनल नंबर्स को आप एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो भी रेशनल ही आएगा. ठीक है, let's go with the next property, second. Commutative property. अच्छा, अगर first का मुझे कुछ example लिखने का number आता है तो मैं कैसे number example लिख सकता हूँ? If anyone is asking me to write an example, मैं क्या बोल सकता हूँ? 2/3 + 3/5. अगर मैं इसका सम करता हूँ तो कितना आ जाएगा मुझे सम बताइए आप? 19/15 आ जाएगा. अभी तक आप लोग कर चुके होंगे. ठीक है, फटाफट फटाफट कर रहे हैं आप लोग. सो एडिशन गिव्स यू अ रेशनल नंबर, लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. सो द आंसर इज 1/15 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. एडिशन गिव्स यू अ रेशनल नंबर and subtraction gives you a rational number. Okay, so addition and subtraction both have given you the
rational number as the answer. Next हम क्या देख रहे हैं? Commutative property देख रहे हैं. Okay. अब commutative property क्या होती है? Commutative property मतलब a plus b should be equal to b plus a. Commute. ठीक है. तो let's see commutative property. Commutative property क्या बोल रही है? Two rational numbers can be added in any order. Two rational numbers can be added in any order. What do I mean by this? Two rational numbers can be added in any order. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a by b plus c by d would be same as c by d plus a by b. A by b plus c by d is c by d plus a by b. ठीक है. दो रेशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट नोट लिख लेंगे आप. सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. Subtraction of numbers is not commutative. दो numbers का subtraction commutative नहीं होता है. Example के लिए आप लिख सकते हो, देखो जैसे 2 by 3 plus 3 by 5 आपने कर दिया, तो अगर LCM ले लिया तो कितना आ गया? 19 by 15 आ गया. Similarly अगर 3 by 5 plus 2 by 3 कर दिया आपने, क्या जाएगा? 9. देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली 10 प्लस 9 बाई 15 आ रहा था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो 19 बाई 15 ही बनेगा. जब ऐसे करूंगा तो 9 प्लस 10 बाई 15 अगेन 19 बाई 15. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव. ओके, एडिशन आपका कम्यूटेटिव है. अभी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं सिमिलरली, तो सब्ट्रैक्शन क्या कम्यूटेटिव है? Let's see that. तो subtraction को हमने क्या करके देख लिया? 2 by 3 minus 3 by 5 कर दिया. कितना आंसर आ जाएगा? LCM is 15. 10 minus 9. तो आंसर is 1 by 15. फिर हमने reverse कर दिया. तो 3 by 5 minus 2 by 3 कर दिया. कितना आ जाएगा? 15. Numerator क्या हो जाएगा? 9 minus 10. It's minus 1 by 15. यहाँ से हमें क्या पता चला? This is not same. So subtraction is not commutative. एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है. सबको अनम्यूट कर रहा हूँ. सबको समझ आ रहा है? चले, let's go with the third property now. See, first we have discussed is closure property, second is commutative property, third that we are gonna discuss is associative property. So third property is associative property. अब associative property पहले हम addition के लिए देखते हैं valid होती है या नहीं, फिर हम subtraction के लिए लेते हैं. तो if I see addition के लिए होती है कि नहीं, तो let's take this 1 by 2 plus 2 by 3
प्लस 3/8 कितना आएगा इसका मुझे वैल्यू बताइए आप। और मैं ऐसा करता हूँ 1/2 और ग्रुपिंग यहाँ से करता हूँ 2/3 + 3/8। इन दोनों के केसेस में क्या आंसर आ रहे हैं आप मुझे बताइए। Yes, correct. 37/24. Yes, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. Very good. नीति का सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है. Yes, yes, yes. Very good. बहुत अच्छे. Okay, yes. बिल्कुल सही. Let's do it. कैसे करेंगे इसको? First हम इसको simplify कर लेते हैं. पहले इसको addition कर लेंगे तो क्या आ जाएगा LCM इसका? 6 will be the LCM. और 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाएगा 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 2 4, सो द आंसर इज 7/6। ओके, देन आई हैव 3/8 टू सॉल्व। अब 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 24 इज द एलसीएम, मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 3, 7 4 = 28, 9, सो द आंसर इज 37/24। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हम यही प्रूफ कर रहे हैं दोनों इक्वल होता है या नहीं होता। हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया 8 और 3 का एलसीएम 24, अगेन 24 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 8 2 16 3 3 9, आंसर इज 25/24। अब इसको 1/2 से ऐड करेंगे तो 1/2 + 25/24, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 और 24 का एलसीएम क्या है 24, 12 + 25 gives you 37/24. Very good. So I came to a conclusion that ये वाला भी same है, ये वाला भी same है. So addition is associative in nature. Addition of rational numbers is associative in nature. सही है? जो आपके additional होता है rational numbers का वो क्या होता है? Associative होता है. बिल्कुल सही बोला आपने. ठीक है? इसको note कर लेंगे आप. What will be the note? Let's write it. Associative property को हम क्या लिखते हैं, let's write that as well. मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लें अपने साथ. The order of grouping rational numbers. The order of grouping rational numbers. The order of grouping rational numbers in addition. In addition, does not affect the sum. जिस तरीके से हम grouping करते हैं, grouping से कभी भी हमारा sum affect नहीं होता है. Okay? एक important note नीचे आप लिख लें. क्या लिखोगे? Associative property. Does not work. Yeah, associative property is not valid for subtraction. ऐसा लिख सकते हैं आप, is not valid for subtraction. Subtraction में कभी भी associative property हम नहीं लगा सकते. Example के लिए लिख लो आप a by b, ठीक है, minus c by d minus e by f. ठीक है, ये rational numbers है. ये कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, a by b minus c by d और फिर minus e by f आपको दी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको चेक करके देखेंगे. तो पहले नोट एक बार आप लिखो सबके सब.
अच्छा आप लोग को क्लासेस में लॉग इन पता चल जाता है ज्वाइन करना है कैसे आईडी करना है ठीक है ज्वाइन करने में ज्वाइन कर पा रहे आपके दो फ्रेंड्स है 8th ग्रेड का क्या बता सकते हो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो देखे लो मैं आईटी आ ठीक है मैं म्यूट कर रहा हूँ आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है 8th ग्रेड में आप उनको भी बता सकते हो ठीक है इफ दे आर आल्सो विलिंग टू ज्वाइन आईटी आश्रम वो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए लेट्स प्रूव इट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसके लिए हम प्रूव कर देंगे कि इट्स नॉट वर्किंग लेट्स टेक द एग्जांपल 2 बाय 3 माइनस 3 बाय 5 माइनस 1 बाय 2 इसका क्या आंसर आ रहा है आप मुझे बताइए और हम सेकेंड वाला करते हैं सेकेंड वाला हम क्या करेंगे 2 बाय 3 माइनस ऑफ 3 by 5 minus of 1 by 2. यस नीति बेटा एक सेकेंड यस बेटा आंसर आ गया ओके माइनस वन ओके माइनस वन बाई टेन ओके बिल्कुल 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 देख लेते हैं एक बार ठीक है सिंप्लीफाई करता हूँ मैं न्यूमरेटर को कैसे हो जाएगा लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट एलसीएम वुड बी 15 सो फॉर 15 आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 5 सो दिस वुड बी 10 आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 सो दिस वुड बी माइनस ऑफ 9 माइनस हाफ आउटसाइड सो इट्स 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 2 यस सबको पता चल रहा है ठीक है 10 माइनस 9 आ जाएगा 1 1 बाय 15 माइनस 1 बाय 2 अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30 तो क्या करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ और 15 से यहाँ तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 15 बाय 30 विच मीन्स माइनस 13 बाय 30 वेरी गुड माइनस 13 बाय 30 आ जाएगा फर्स्ट का आंसर ठीक है माइनस 13 बाय 30 बहुत अच्छे नाजरा का सबसे सही आंसर पहले नाजरा का माइनस 13 बाई 30 ठीक है एक बार आप चेक कर लें अब सेकंड को देखते हैं सेकंड में देखो बेटा क्या हो रहा है माइनस का साइन जब भी ये ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना तो ये पूरी अंदर की फैमिली को नेगेटिव कर देगा मतलब जो नेगेटिव का साइन है वो अंदर जाके सबको साइन को अपोजिट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 5 प्लस 1 बाई 2 दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग और आप क्या कर सकते हो मेथड 2 हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम 2 बाई 3 माइनस को एज इट इज रखते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ 3 बाई 5 माइनस हाफ वाला एलसीएम कितना हो जाएगा 10 इसको इंटू 2 करना पड़ेगा इसको इंटू 5 करना पड़ेगा 6 माइनस 5 आ जाएगा अब क्या बचा 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 10 एलसीएम कितना हो जाएगा 30 30 एलसीएम हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से करना पड़ेगा तो बचेगा कितना 20 माइनस 3 सो आंसर इज 17 अपॉन 30 लिख लियो ओके सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आंसर्स आप लोगों के नहीं आ पाए इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने
ठीक है, नाजरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और वानिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वानिया। ठीक है, सभी का भी बिल्कुल सही आ गया, बहुत अच्छे, 17/30 बिल्कुल सही। ठीक है, परी का गलत हो गया, नीति का गलत हो गया इस बार, क्यों नीति क्या हुआ? ठीक है, ओके, परी का भी आंसर गलत हो गया, परी क्यों क्या हुआ? सर वो आपने अभी समझाया तो मैंने देखा। ठीक है, ठीक है, कशिश आंसर नहीं दे रही, क्या बात है कशिश? सर वो आप अभी बता रहे थे तो मैं देख रही थी। ठीक है, चलिए सबको समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सी यू कैन सी फ्रॉम योर, दोनों के आंसर अलग अलग आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन, इट्स ओनली फॉर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं चलती है, सिर्फ एडिशन के लिए ही चलती है। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आई विल गिव यू द होमवर्क, आप होमवर्क लिख लें। ओके, मॉड्यूल में आपको सेंड कर दूंगा आज, और उसमें से क्या आपको करना है मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क आप लिख लें। ठीक है, जो आपको आज मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, उसमें से आपको करना है DPP 1 में। ठीक है, नोट कर लेते हैं, DPP 1 में, DPP 1 इज गिवन ऑन पेज नंबर 12, मार्क इट डाउन, DPP 1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, लिख लो, देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों करना है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन प्लीज, 3, 5, 6, देन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एंड देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इतना आपको मेरे लिए करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 में सारे, ए बी 6 में सारे, 7 और 8 में सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आंसर्स आपको चेक करने हैं, जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, मार्क इट एज अ डाउट, सर्कल कर ले उस क्वेश्चन को, मान लो क्वेश्चन 2 में डाउट है, सर्कल कर लो, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट विल डिस्कस योर डाउट्स एंड देन विल स्टडी न्यू। ठीक है, सबने होमवर्क लिख दिया है? यस सर। आज आपको स्कूल आ जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, डाउट कैसे पता चलेगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना और पीछे आंसर चेक कर लेना।